to everyone. It's 6 o'clock in the morning. फ्रेश मॉर्निंग, मैं रिंकू पहाड़ी का भाई हूँ और मैं आज ब्लॉग चालू करूँगा। और ये मेरी मम्मी है कुत्ता और ये मेरा डॉगी है। ये देखिए मेरा डॉगी कितना सुंदर है। और ये मेरे दादाजी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अपने दादा की खूब सेवा करता है। और ये मेरे पापा हैं। पापा खाना बना रहे हैं। ये देखिए ये क्या बन रखा है आज। ये आलू लौकी की सब्जी बना रहा हूँ। और ये मेरी मामी है और ये दूध रख रही है। मेरे को नहीं दिखाएगा, मेरे को नहीं होता ना, मैं कौन है। और ये मेरे पहाड़ी भैया हैं। अच्छा, पहाड़ी भैया। ये छोटी और ये मेरी बहन है। आप क्या बोलना चाहती हैं? और ये मेरी ताई है। आप क्या बोलना चाहती हैं? आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती तो स्कूल। आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने खाने ताऊ आप तैयार हो गए। आपकी फोटो यहाँ पे बहुत ठंड है अभी और तुम बोल रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, अपन को चल जाता है। और आई जस्ट शो द व्यू फ्रॉम माय हाउस। दिस इज द व्यू। These all are villages. ये पहाड़ जो है पूरा रात को यहाँ पर लाइटें जो है घरों पे जलती है और व्यू जो इतना नज़ारा जो है इतना ज़बरदस्त दिखता है। ये ऐसे आग सेकी जाती है गाँव में। बहुत ठंड है यहाँ पर, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है गाँव में। बद्रीनाथ के में बर्फ पड़ रखा है। बद्रीनाथ में एकदम बर्फ। बद्रीनाथ बेमिरान खोज भी आओ तो वह पूरा माथ हिमालय में बर्फ पड़ी हो। ठंड हुई वक्त देखिए पहाड़ों में धूप कैसे तड़पाती है घर तक आने के लिए। वो देखिए ये पूरी धूप यहाँ पे आ रही है अभी उस तरफ से और ये नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन लोग इसका इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कब हमारे घर पे आएगी। तो ऐसे धूप तड़पाती है। लास्ट टाइम 1 साल पहले यहीं पे शूट किया था मैंने और अगेन यहीं पर। दिस इज़ हाउ लुक। ये कुल्लू भाई का अपना भाई है। ये मेरा गांव सिलंगी। एक बार फिर से उसी जगह पे, यहाँ पर हमने शूट किया था लास्ट टाइम पे। जाएंगे उधर, आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। दादी क्या कर रही है यहाँ पे? रोटी बना रही है। देखिए मस्त मंडवा रोटी और गेहूं रोटी मिक्स करके। दादी एक रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा मिनट बोलते 30 सेकेंड। अच्छा। चाची नमस्ते। ये आपने लास्ट टाइम देखा होगा वीडियो में, फिर से वही चाची। देखना फोटो खींचन ये ओ जी फिर मंदिर है। वीडियो निकालो ना। तो ये है हर गांव में जो मंदिर होता है। और मंदिर के उन्हें भैरव मंदिर ना सब है उसमें। लख शिव जी पार्वती ना। ताई जी फिर होके किसान मिल गई हमको। हो रिंकू पहाड़ी फिर होके के साथ। ताई जी एक बार हुक्का फिर बनाइए, हुक्का मारिए एक बार। क्या ये मारना, ये मार बोला ना ना तू मार मेज क्यों माना क्यों कति साल से। अरे भाई साल ना ना धूप आ गया हो, धूप आ गया अभी, धूप आ गई गांव में हैं क्या हो अच्छा अब बोझी हूँ भले का था क्या उम्र अब उम्र हुई ना अब क्या कहता चलो भाई कनौर फुरी रात सुनो ना ने क्या कर नमस्कार। ये हना है फिर से सिलाई कर्मचारी वाली महिला है ना। अब उस सिलाई दुकान देखो दी उसकी सिलाई की दुकान, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये मशीन है ऊषा की है नहीं। हाँ सब लोग ऊषा की यूज करते हैं। ये है हालांकि सिलाई कर्मचारी वाली महिला जो लास्ट टाइम ने शूट किया था मेरे पहाड़ मेरे गांव वीडियो में। हमारा पुराना घर है जहाँ पे मेरे दादा दादी लोग रहते थे और दादा अभी पुराने अभी नए घर में रहते हैं और पुराने घर अभी एकदम लॉक लगा हुआ है। तो कहीं आपने देखा मंडवे की रोटी बनाई जा रही है और कहीं पे ये तो गेहूं की रोटी है, गेहूं रोटी नहीं। हाँ तो बताओ बस बनाने वाले में फर्क है। और भैंस के लिए खाना तैयार हो रहा है। ये कुल्लू है, कुल्लू कुल्लू भाई वीडियो वगैरह बनाने में ये इनके लगन नहीं पे ना दिए मेल कब देख मेल दिए सिस्टम जी तो मैं डालियो फिर कब देखता तो वही तो मतलब ये के दिखाना। तो अगर फ्यूचर में कभी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 50 साल देखे ना तो वीडियो बने रहना अतु याद आल की वाह तो बतिया ओक बहुत खींचे ओक बटे वक्त का वो हमारा जंगल है वो हमारा ये है कर ले वो वीडियो बड़े ना तो देखो ना उसको क्या ले जा ये क्या है ये क्या करता और सब बढ़िया घाम लगने की। अच्छा फिर से आपके सामने और ये मामी धान कूट रही है। ये देखिए ये मेरी बहन है, इसे बुखार आ रखे हैं। बस आपके बुखार कैसे हुए? अभी ठीक नहीं हुए, आपके बुखार अभी ठीक नहीं हुए। अच्छा आप गंभीर हालत में हैं। ये क्या कर रही है मामी? इसको करके क्या होता है मम्मी बताओ। मम्मी बताओ इसको करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा क्या होता है इसको कर कभी आकर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं हाँ जो हाँ इसको कूटते हैं ना, कूटते हैं उसके बाद इसे खाते हैं। हाँ खाते हैं उसके बाद। हाँ जाओ जाओ। हाँ इस पे तो मक्खियाँ कवा रखी हैं। अरे इस पे ना ऊपर हो रखी तबार गई मक्खी। अच्छा चलो अब चलो। गैरसैन में उनकी जलेबी फेमस है, वो मुरली अंकल की जलेबी फेमस है। उनकी जलेबी को उन्होंने भी खाया था, मुख्यमंत्री ने भी खाया था उनकी जलेबी को। कैसा लगा उनको जलेबी? उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा पैसे खाए फ्री की खाए उन्होंने ना, फ्री में खिलाया उन्हें। यहाँ की ना राज्य मिठाई ना जलेबी है। सब्सक्राइबर है यूट्यूब की, आपका नाम तो देख क्या हो यूट्यूब में तो देखती नहीं हूँ, मैंने नाम ही नहीं सुना उसका। अरे तो फिर आपको कैसे पता मैंने स्टेडियम की वीडियो डाली है? अरे भैया मेरे को नहीं था पता। हेलो हाय क्या आपका नाम? कशिश। ये अपने दर्शन भाई उनकी गाड़ी और शूटिंग में मेरा हेल्प करेंगे जो भी है। तो उनकी गाड़ी है अपाची 160। दिल्ली भाई की दुकान में जा रहे हैं जो एक नंबर की दुकान है। यहाँ पर जितने भी मतलब जो ट्रक्स वगैरह आती है रामनगर से तो यहाँ पर अपना डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब करती है। ये हमारे मनवीर भाई हैं और ये होटल लाइन का इनको नॉलेज इतना है पूछो मत। मनवीर भाई पहचाना गया, बहुत टाइम बाद मिल रहे हम लोग हैं। ये हमारे क्या नाम है आपका? पंकज सिंह झिंकवार। पंकज सिंह है, झिंकवार बंधु है ये सब। और ये देखो यहाँ पर मोहित जी गाते हुए। अरे भाई